नेशनल हाईवे 758 स्थित ग्राम पंचायत गुड़ला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्राम पंचायत गुड़ला में गुरुवार को संपूर्ण ग्राम के वार्डो में गली मोहल्ले में घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाया गया, जिसमें ग्राम के सरपंच श्रवण कुमार गुर्जर ने निस्वार्थ भाव से मानव सेवा कर अपनी अहम भूमिका निभाई। गुड़ला ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि श्रवण गुर्जर के नेतृत्व में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया गया, जिसमें पिंटूलाल मालिक, विशाल सिंह, सत्यनारायण सेन, संपत तेली, कन्हैयालाल गुर्जर, ओंकार सिंह, नन सिंह व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। धर्मशाला सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए मतगणना कर्मियों और मीडिया कर्मियों के सैंपल लिए गए हैं। मतगणना स्थल में प्रवेश करने वाले अधिकारियों, अभ्यर्थियों, कार्मिकों, पुलिस कार्मिकों, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता, मीडिया प्रतिनिधियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने पहुंच रहे हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार बिना आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन डबल डोज लगवाए मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं भाजपा युमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देशानुसार भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली के नेतृत्व में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत कोरोना जिला प्रभारी लोकेश खंडेलवाल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने भिलवाड़ा के एरेंथ हॉस्पिटल में 12 यूनिट रक्तदान एवं ओ पॉजिटिव प्लाज्मा डोनेट एमजीएच में किया गया। साथ ही कोरोना काल में युवा मोर्चा द्वारा आमजन की सेवा लगातार जारी है। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी राजेश सैन, कुलदीप शर्मा, किशन संजय, विजय शर्मा, नितेश, दीपक वर्मा व आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी ओर मांगलिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए चाक पूजन में रखा सैनिटाइज और मास्क शगुन के तौर पर दिया जा रहा है। महिलाओं द्वारा कलश धारण करने से पूर्व मास्क गिफ्ट किया जा रहा है। कलश यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है तथा घर पहुंचने पर मंगल कलश की सैनिटाइजर थाली में रखकर आरती उतारी जा रही है। ये नवाचार कोली समाज के शादी समारोह में मेजबान बछापरिया परिवार द्वारा करके मेहमानों और शहरवासियों को कोरोना को हराने के लिए संदेश दिया गया। गुरुवार को अंडारी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बना रखे कोविड सेंटर का एसडीएम विकास मोहन भाटी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ अधिकारियों को कोविड संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांव में बेवजह घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए। पंचायत प्रशासन द्वारा गांव में लाउड स्पीकर द्वारा लोगों को जानकारी दी गई कि घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर पहने एवं घर में किसी व्यक्ति को बुखार या किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वह स्वास्थ्य केंद्र चेकअप करावे, नहीं करने पर 1100 रुपए का चालान किया जाएगा। इस मौके पर हुडरा विकास अधिकारी मुरलीधर मीणा, शंभुगढ़ थानाधिकारी जगदीश चौधरी, स्थानीय सरपंच दुर्गा सिंह राठौर आदि उपस्थित थे। भाजपा जिलाध्यक्ष राधुलाल तेली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की हो रही भयंकर परेशानी के बारे में अवगत करवाया। जिला कलेक्टर नकाते को चिकित्सा सुविधा की और अधिक सुव्यवस्थित करने एवं कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने से रोकने के लिए और सख्ती बढ़ाने का आग्रह किया। कोरोना योद्धा बनकर भाजपा जिलाध्यक्ष राधुलाल तेली ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल का दौरा कर कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलकर चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने जिला कलेक्टर को बताया कि शहर में आने वाले मरीजों को समय पर चिकित्सालय सुविधाएं राजकीय चिकित्सालय में नहीं मिल पा रही है। वहीं भारी पक्षपात के चलते आम गरीब व्यक्ति इलाज से महरूम हो रहा है। जिलाध्यक्ष तेली ने शहर में संचालित कोविड 19 सेंटरों की संख्या बढ़ाने के साथ निजी प्रयोगशालाओं को सशर्त अनुमति देकर आमजन को राहत दिलाने की मांग की।